हेलो दगड़ियों, नमस्कार। पहला आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जियोलॉनी व्लॉग्स में, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया ही होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। अभी बजे है सुबह के 10। तो चलिए एक नए दिन के साथ एक नए व्लॉग की एक नई सी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ आज का मौसम। तो कल रात बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, तो आज कभी धूप आ रही है तो कभी बादल लग रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। दगड़ियों, अभी बज रहे हैं 11:15 और हम लोग आए हुए हैं काफल खाने। और अभी मैं खड़ी हूँ जस्ट काफल के पेड़ के पास में, तो मैं चढ़ूंगी इस पेड़ पे, तो देखते हैं कि मेरे से चढ़ा जाता है या नहीं। दगड़ियों, अभी बज रहे हैं दिन के 12:30 और मैंने इतने सारे काफल तोड़ लिए हैं, और हमारे भाई साहब अटक गए हैं ऊपर पेड़ पे। दिखाती हूँ आपको, और योगी तोड़ लाई है। छोटी वाली थाली योगी की है, बड़ी वाली भाई साहब की, और भाई साहब भी पेड़ से उतर चुके हैं। देखा, देखो तो टोटली हमने इतने सारे काफल तोड़े। देखो मेरे तो गिर भी रहे हैं। देखो टोटली हमने इतने सारे काफल तोड़े हैं। ये वाले मैंने अच्छे अच्छे तोड़े हैं, काले काले तोड़े हैं, और इन सबने वो पके हुए और कच्चे दोनों मिक्स किए हुए हैं। इसने भी ऐसा ही किया है, कच्चे और पके हुए मिक्स किए। तो अब हम काफलों को डालेंगे बाल्टी में, क्योंकि पन्नी में घर जाने तक ये काफल क्या बता पिचक जाएंगे। और दगड़ियों, यहाँ पे योगी ने अपना चमकियार दिखा दिया है। देखिए आप, इसने सारे काफल मेरे नीचे गिरा दिए। देखिए शाम के 5:30 और मैंने रेडी कर ली है ये पूजा की थाली। तो चलिए जानते हैं कि हमने ये पूजा की थाली क्यों रेडी की है। तो व्लॉग पे बने रहिए। तो अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक प्यारी सी चीज, तो चलिए देखते हैं कि क्या है वो। तो ये है प्याज का, एक मिनट। तो ये है लाओ दिखो पे। अम्मा बोल रही है गुलदस्ता हो रहा है, बहुत अच्छा सा प्यारा सा, सच में लग बहुत प्यारा रहा है। लेकिन ये है ना, ये प्याज का बीज है, ये सूखेगा ना अभी। अभी तो कच्चा है, ये अच्छे से सूखेगा, उसके बाद इसमें ये सूखा है ना नीचे वाला, ये वाला सूखा, ये सूखा है, ये पूरा तो बीज हो रहा है। इस पे पक रखे हैं बीज, ये जो काले काले दाने हैं, जब इसे बाद में बोएंगे तो इससे ही बनता है प्याज। तो दगड़ियों, ये है पहाड़ी अंगीठी। इस पे देख सकते हैं आप कि लकड़ियों पे खाना बन रहा है, और खाना बनाने वाली है मेरी प्यारी सी मम्मी, और मम्मी बना रही है अभी आलू के गुटके। तो यहाँ पे हमारे चाचा जी जा रहे हैं काफल तोड़ने। तो दगड़ियों, अभी मैं जा रही हूँ रोड पे, क्योंकि है कुछ खास, तो चलिए देखते हैं। दरअसल योगी और मैं भागते भागते जा रहे हैं, तो ये
ढंग से चल ले जरा। नमन ने पहन ली है माला है। तो ये हैं हमारे जीजू और ये हैं दीदी। अभी आपको अच्छे से दिखाऊंगी। जीते रहना भला जिया सब फल खूब शेर सजिया खूब बजा हमें जब मैं तुमको ला नस्ताने रे अगर तो अंडर मुझ कालिया कालिया महारानी परमेश्वर आसन नमस्कार ना खुटू में आ चली गए यहाँ हर्षित पापा बुला रहे जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जय 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 कर बाबू नानी जी नानी नादी नहीं आ रहा हाँ जल्दी मेरा नाती है तो यहाँ बाल भी नहीं कटाए है चुई रखी है पंडित की तरह पंडित जी नानी को जयकर जयकर हाथ जोड़ जयकर जीते रहना बाबू बहुत बड़ा होना होशियार होना दादी को करा जय अम्मा को अम्मा को जय अम्मा को जयकर अम्मा को जय हो लाल अम्मा तो यहाँ पे रेडी हो चुके हैं पहाड़ी अंगीठी पे आलू के गुटके। तो दगड़ियों अभी बजे हैं रात के 10:30 और हम सभी लोगों ने खाना खा लिया है रात का। दीदी जीजू मम्मी भाई साहब और नेहा नमन हर्षित सबके सब चले गए हैं ऊपर वाले घर पे। और ये देखिए योगी ने ना हंस की शादी थी 12 मई को, 12 मई से इसके कपड़े कभी इस खिड़की में कभी उस खिड़की में कभी इस बेड पे कभी उस बेड पे मंडरा रहे हैं। इसने सच में ना कपड़ों की क्या किसी भी चीज की इज्जत नहीं करती। नेक्स्ट टाइम से बनाना ही नहीं है इसके लिए। तो जो हमारे दी और जीजू हैं वो पूरे 3 साल बाद घर पे आए हैं। तो आज हम सभी को बहुत अच्छा लग रहा है घर पे ना, मतलब बातें और एकदम इंजॉयमेंट और हैप्पीनेस बहुत सारी चीजें, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।